राजस्थान मुस्लिम तेली महापंचायत की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह व प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन होटल आर्को पैलेस में हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भर के जिला के पदाधिकारी पहुंचे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा रही। मुख्य अतिथि का महापंचायत के संरक्षक अशरफ अली खिलजी व प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल लतीफ आरकू ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। अध्यक्ष अब्दुल लतीफ आरकू ने बताया कि सम्मान समारोह हर वर्ष बच्चों के हौसला अफजाई के लिए किया जाता है, जिनमें बोर्ड के 60%, 70% व 90% अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रांतीय अधिवेशन भी रखा गया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि सबसे पहले समाज के लिए उनके बच्चों के लिए एक हॉस्टल फिलहाल किराए पर लिया जाएगा, फिर धीरे धीरे सरकार से उसका मुतालबा रखेंगे और इसके अलावा एक जच्चा खाना भी बनाया जाएगा, जिसमें किसी भी महिला की डिलीवरी के समय उसे आधी रात को भी कहीं परेशान होना ना पड़े। 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, ऐसे बच्चों का करीब 450 बच्चे जो हैं टोटल हमें सम्मानित करने थे। आज ये आखिरी प्रोग्राम है, इससे पहले 3 प्रोग्राम और हम कर चुके हैं। एक COVID-19 के चक्कर में इस प्रोग्राम में काफ़ी हमें देरी हो गई, लेकिन आज ये पूरा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ आज हमने मुस्लिम तेली महापंचायत जो हमारे समाज के लोग हैं, पूरे राजस्थान की हमारी कार्यकारिणी को भी हमने बुलाया है, जो हमारे यहाँ बदखर्ची शादियों में इसम रिवाजों में इनमें जो होती है उस पर भी आज कोई फैसला हम बैठेंगे लेकर के। इसके अलावा हमारे बच्चों को, इस पढ़ने वाले बच्चों को हॉस्टल में नहीं है जयपुर में हमारा कोई, तो और कहीं भी उनको कोई किराए का मकान नहीं देता, और ये जो दौर नफरत का दौर चलाया है इससे बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे परेशान होंगे, तो इसलिए हम किराए की बिल्डिंग लेकर के भी अगर चलाना पड़ा तो हम उस पर भी आज निर्णय लेंगे, क्योंकि ज़मीन लेकर बनाना और करना उसमें बड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम इसी साल जो है हम चाहते हैं कि जैसे इस ये पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो हम एक हॉस्टल भी, उसकी भी आज यहाँ निर्णय लेंगे। तो इस तरह से वो हमारे समाज की भी जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें भी निर्णय लेंगे। कुछ जिलों में हमारे नौजवान टीम आई है, उनको भी जो है पद दे करके उनको भी अभी सम्मानित करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आज का प्रोग्राम है, और ये सारा प्रोग्राम के पीछे एक ही हमारा मकसद है, और वो ये है कि हमारी कौम में जब तक तालीम नहीं आएगी ये कौम कभी भी ऊपर नहीं उठेगी। मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो कहावत है आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, इस कहावत को करके दिखा दो, एक एक बच्चे को कम से कम जो बाहैसियत लोग हैं वो गोद ले लें और उनको हायर तालीम तक। गरीब का बच्चा है वो अच्छे नंबरों से पास होता है लेकिन उसे आगे बढ़ने के पैसे नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हर वो शख्स जो अपने अलावा किसी पर खर्च कर सकता है तो कम से कम एक बच्चा गोद ले। आपका नाम बता दीजिए। अब्दुल लतीफ आरकू, मुस्लिम तेली महापंचायत में मैं अध्यक्ष हूँ। Thank you.